हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्टडी के साथ मजे कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के लिए शुरू किया था सीरीज, उसका अगला कड़ी लेकर आज मैं फिर से उपस्थित हूँ। और इसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया था, जितने भी फंडामेंटल थे कॉन्सेप्ट और जो भी क्वेश्चन थे पिछले एक्सरसाइज के हम लोगों ने कर लिए थे। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.4 के कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा। और एक ज़रूरी सूचना देनी थी दोस्तों कि हमारे जनरल कंपटीशन के लिए जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं उनके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें कि जीएस का क्वेश्चन और जीएस का मैंने एक सीरीज शुरू किया है, जिसमें कि अभी मॉडर्न हिस्ट्री मैंने शुरू किया है। तो मैं उनसे भी बोलूँगा कि सेम चैनल पे, इसी चैनल पे आपको दो प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, 10th क्लास के लिए भी और आपका कॉम्पिटिशन के लिए भी, जिसमें कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। और नहीं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ क्या बोल रहा है। एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो साइन ए कॉस सेक ए टेन ए इंटू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों कि साइन ए सेक ए और टेन ए इस सारे को जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास, इसको कॉट ए के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। इसको बनाने के दो कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों, दो तरीके हैं बनाने के लिए। लेकिन मैं इसको आज जो हम लोगों ने आइडेंटिटीज़ पढ़ा था, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, तो वहीं से आज इसको प्रूफ करूँगा और इसको बना के दिखाऊँगा, काफ़ी ईजी वे में आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जैसे कि साइन थीटा के लिए हमको लाना है, साइन ए को लिखना है कॉट ए के फॉर्म में, ठीक है, फॉर्म में। तो हम लोग साइन को लाने के लिए सबसे पहले सोचते हैं कि साइन कौन से हमारे आइडेंटिटीज में आता है। एक तो साइन और कॉस के आइडेंटिटीज में आता है, ठीक है, और दूसरा आता है कॉसेक और कॉट के। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमारा जो तीसरा आइडेंटिटीज है इसमें कॉसेक और कॉट का दोनों का जिक्र किया, और हम लोग जानते हैं कि कॉसेक हमारा रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन ए का। यानी कि हम लोग साइन ए को लिख सकते हैं 1/cosec ए। तो हम लोग यहाँ से लेके चलेंगे इस ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से और यहाँ से प्रूफ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्या है हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि इसको 1/sin² ठीक है, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/sin² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1+cot² ऐसे ही रह जाएगा। और अगर इसको हम साइन स्क्वायर ए लिखें तो क्या होगा, ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा, यानी कि 1/1+cot² ए। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं दोस्तों कि यहाँ हमको स्क्वायर है और हमको लाना है सिर्फ साइन के फॉर्म में। तो स्क्वायर को क्या करेंगे, इस तरह बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा रूट में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1/1+cot A। बस हो गया दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इसको प्लस माइनस 1, और ये जो नीचे वाला है हमारे पास वो तो रूट में ही रह जाएगा, यानी कि 1/cot² A। तो इस तरह से देखा दोस्तों आपने किस तरह साइन ए को हम लोग कॉट ए के फॉर्म में लिख दिए, और यही आपका डेरिवेशन, आपका रिजल्ट आएगा, ये आंसर आएगा, आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों इसके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में पूछा है सेक ए को भी कॉट के फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग इसी डेरिवेशन को थोड़ा आगे ले चलेंगे और वहाँ से इसको रीअरेंज करके आराम से आ जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ इक्वेशन 1 दिए हैं, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1+cot² को यहाँ हम लोग फिर से लिख लेंगे, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1+cot² है, ठीक है दोस्तों। अब हमको साइन को चेंज करना है कॉस में, ताकि उसको हम सेक में कन्वर्ट करें, क्योंकि हम लोग सेक को लिख सकते हैं 1/cos ए, ठीक है। तो साइन को हम लोग कॉस में चेंज करने के लिए क्या लिख सकते हैं, देखो देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो अगर साइन को हमें लिखना है कॉस के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, 1-cos² A इज इक्वल टू 1/1+cot² A, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से क्या करना है कि हमको कॉस वाले को एक तरफ रखना है और 1 को उधर ले चलेंगे। तो अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर ए को इधर रखेंगे
और इसको इधर ले आएंगे तो वन माइनस में आ जाएगा वन माइनस वन अपन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस वन अपन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा वन वन, हमारे पास क्या बचेगा कॉट स्क्वायर ए अपन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो आपने देखा कॉस स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर है अपन वन प्लस कॉट स्क्वायर है। अब इस कॉस को हम लोग लिख अभी बताया दोस्तों कि सेक के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वन अपन रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वन अपन सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए अपन वन अपन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ सेक लिखने के लिए हम लोग क्या लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये अपोजिट और रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। हमारे पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट में आ जाएगा तो सेक ए हमारे पास मिल जाएगा बिना स्क्वायर का जो कि हमको निकालना था। तो सेक ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट अपॉन कॉट स्क्वायर ए का रूट। यहाँ से निकालेंगे कॉट स्क्वायर ए को बाहर तो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए तो रूट में ही रहेगा दोस्तों, और यहाँ से कॉट स्क्वायर कॉट ए बाहर आ जाएगा प्लस माइनस के साथ क्योंकि रूट के बाहर आया। तो यहाँ से हमारे पास सेक ए इज इक्वल टू इतना डिराइव हो जाएगा, यानी देख सकते हैं दोस्तों साइन का हमने निकाल लिया था कॉट के फॉर्म में और यहाँ सेक का भी आ गया हमारे पास कॉट के फॉर्म में, ये आपका डेरिवेशन। ठीक है, अब तीसरा इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों कॉट सॉरी टेन को, तो हम लोग टेन ए तो जानते हैं दोस्तों कि वन अपन कॉट ए होता है, यानी कि हम लोग रिलेशन में ही पढ़े थे, और या फिर कॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं वन अपन टेन ए। ठीक है, तो हम किससे क्या पूछ रहा है कि टेन ए को लिखना है कॉट के फॉर्म में, तो बस हमारे पास ये आ जाएगा वन टेन टेन ए इजकल टू वन अपन कॉट ए। तो देखा आपने दोस्तों, बस आपको रीअरेंज करना है सारे क्वेश्चन को और आपका इसमें जो भी पूछ रहा है वो आराम से निकल जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए फिर वो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा आसानी से सीख लिया था, जो भी हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है बस उसको हम लोग क्या है बस रीअरेंज करके हम लोग आसानी से देख लिए थे कि किस तरह उसका प्रूफ करना है। तो इसी क्रम में देखते हैं तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, सेम वही पैटर्न पे है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। देखिएगा क्या बोल रहा है कि राइट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी कि हमने जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे यानी कि 6 के 6 क्वांटिटीज उनको हमको सेक ए के टर्म में लिखना है। तो ये भी दोस्तों बहुत आसान है, इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको उसी रीअरेंज के प्रोसेस से आपको सारा कुछ समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहला तो हम लोग देखते हैं कि कॉस ए को क्या लिख सकते हैं वन अपन सेक ए, हो गया आपका ये प्रूफ, यानी कि हमारा पहला क्वांटिटी हम लोग ले लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कॉस ए, और कॉस ए को हम लोग क्या जानते हैं कि इसको रेसिप्रोकल होता है सेक ए का, तो कॉस ए इसका टू हमारे पास वन अपन सेक ए। तो आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। अब इसी क्रम में दूसरा भी आता है दोस्तों, दूसरा क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वन। ठीक है, तो अब यहाँ से टेन स्क्वायर ए अगर हमको अलग करना हो तो क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए इजकल टू सेक स्क्वायर ए प्लस वन। ओके, सेक स्क्वायर ए सॉरी यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग टेन का फॉर्म अगर निकालें इंडिपेंडेंट करें इसको स्क्वायर से, अगर यहाँ से हटाएंगे दोस्तों तो क्या करना होगा आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ से स्क्वायर जाएगा तो रूट रूट में आ जाएगा यहाँ हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस वन, बस हो गया आपका टेन ए की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक, यानी कि दो क्वांटिटी हमारा हो गया सेक की कॉस ए और टेन ए, बस तो ये सेक के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों तीसरा हम लोग चलते हैं, तीसरा हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इजकल टू वन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इजकल टू वन होता है, तो अगर हम लोग यहाँ से साइन स्क्वायर ए लिखना चाहें
तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हमको साइन को लिखना है सेक के फॉर्म में, ठीक। तो सबसे पहले कॉस को क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। और इसके क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसका एलसीएम लेके हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर टू। अब यहाँ क्या करते हैं दोस्तों कि ये जो रूट स्क्वायर है इसको हम लोग हटाते हैं, तो स्क्वायर के जैसे उधर जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर ए माइनस वन ये रूट के अंदर आ जाएगा, और नीचे सेक स्क्वायर ए का रूट करेंगे तो कितना जाएगा, सेक ए, ठीक है। तो और ये प्लस माइनस हमारे पास आएगा क्योंकि रूट से बाहर जो भी आता है वो क्वान्टिटी प्लस माइनस लेके आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी यहाँ प्रूफ हो जाता है कि सेक स्क्वायर ए यानी कि सेक ए को साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस वन रूट अंडर अपॉन सेक ए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसका चौथा देखते हैं हम लोग। हम जानते हैं दोस्तों कि सेक साइन थीटा को वन अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, साइन ए इजकल टू वन अपॉन कॉसेक ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे इसको आप पुट कर दिए और आंसर यहाँ से मिल जाएगा आपको। हमने ये इक्वेशन अभी निकाला है और यहीं से क्या करते हैं कि साइन को लिख सकते हैं वन अपॉन सेक ए, सॉरी कॉसेक ए, वन अपॉन कॉसेक ए। तो ये आ जाएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए, ठीक है। अब क्या है दोस्तों कि हमको साइन ए चाहिए ऊपर, कॉसेक ए चाहिए ऊपर, तो कॉसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं ऊपर लिख देते हैं रेसिप्रोकल, कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ए अपॉन वन माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस वन रूट अंडर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि कॉसेक ए भी आ गया, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास लास्ट क्या बचता है, कॉट ए। कॉट ए को हमको लिखना है सेक के फॉर्म में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग जानते क्या है कि कॉट को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन ए। और अभी हम लोगों ने निकाला था कि टेन ए इजकल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से बस हम इसका डायरेक्ट को वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन के टेन के जगह पे वन सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और ये रूट में आ जाएगा प्लस माइनस कॉट ए। तो देखा दोस्तों किस तरह से हम लोगों ने आसानी से सारे फार्मूलाज का यूज़ करके उसका रीअरेंजमेंट करके हम लोग जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोस से उनको हम लोग लिख दिए सेक के फॉर्म में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो इस एक्सरसाइज के हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी आपको बहुत ईजी है, सारे कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाए हुए हैं, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों हमारे पास क्या क्या बोल रहा है कि इवैल्यूएट यानी कि वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास दिया हुआ, इसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। क्या करना है दोस्तों कि इसमें से किसी एक को हमको चेंज कर देना है दूसरे के फॉर्म में और बस आंसर आ जाएगा। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 63 सॉरी कॉस स्क्वायर, और आपके पास प्लस में आ जाएगा साइन स्क्वायर 27 अपॉन में। नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, एक को दूसरे के फॉर्म में चेंज कर देंगे, यानी कि या तो कॉस 17 को चेंज कर दें या कॉस 73 को। हम लोग कॉस 70 को चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 देंगे। अब देखिए दोस्तों कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर 90 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा, 73
बस आपको यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री का सारा यूज़ करके और यहाँ जो कॉस स्क्वायर बचा हुआ है 73 और सारा क्वेश्चन निकाल देना है। देखिए अब क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर यहाँ एंगल क्या बराबर हो गया दोनों का, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या ले सकते हैं 1। और यहाँ भी देखिए तो यहाँ भी एंगल दोनों का सेम है, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर 73 और साइन स्क्वायर 73, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1। तो 1 और 1 का क्या करेंगे डिवीजन करेंगे, 1 आ जाएगा हमारे पास आंसर। देखा दोस्तों कितने आसानी से बस हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री का यूज़ किए और आंसर आ गया। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, साइन 25 और कॉस 65 प्लस साइन 25 और कॉस 65, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, या तो ये दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि 65 और 25 हमारे पास मिल रहा है कि 90 और, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री का रूल लगने वाला है। ये 25 और 65 यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री का रूल लगने वाला है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ कॉस साइन 25 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90-25 इंटू कॉस 65। फिर यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, इसको लिख सकते हैं साइन 90-25 इंटू, चलो ये ब्रैकेट में इंटू साइन 65। ठीक है दोस्तों एकदम इजी है, इसमें कहीं से कोई आपको सोचने की जरूरत ज़्यादा जरूरत नहीं, सारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बन रहा है हमारा फटाफट। इसको क्या लिख सकते हैं कॉस 90-25 क्या बच जाएगा 65 बचेगा, और मल्टीप्लीकेशन में क्या है कॉस 65 पहले से है प्लस साइन 90-25 करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास साइन 65 इंटू साइन 65 पहले से। अब देखिए दोस्तों यहाँ एंगल दोनों का सेम है और हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन भी सेम है, यानी कि कॉस कॉस यानी कि ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। ये एंगल दोनों का सेम और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 1 होता है। तो बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, इन दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी इवेल्यूएट करने वाला ये आ गया आसानी से, तो इसे आप नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों तो इस एक्सरसाइज के हम लोग अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास क्या बोल रहा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर और जस्टिफाई योर चॉइस। इसमें क्या है दोस्तों कि पहले भी हमने इस तरह क्वेश्चन किए हैं कि इसका हमको आंसर पहले निकालना है और फिर जो ऑप्शन हमारे पास दिया उसे हम लोग को मैच करना है कि इसमें कौन सा सही हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाला। पहला क्वेश्चन क्या है बोल रहा है दोस्तों कि 9 sec² - 10 sec² ए, इसको हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि 9 को हम ले लेते हैं कॉमन, हमारे पास क्या बच जाएगा sec² स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है तो अगर यहाँ से चलें तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि sec² स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो बस यहाँ इस फॉर्मूला को यहाँ पुट कर देना और इस सारे का वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगा और 9 का मल्टीप्लीकेशन 1 से आएगा तो 9 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास बी आंसर आ जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों तो इसका दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बस कॉमन लेके दोनों का हम लोग को फॉर्मूला पुट कर देना होता है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए सेकेंड क्वेश्चन में 1+10θ + sec θ और 1+cos θ - cos θ, इसको हम लोग क्या करना है सिंप्लीफाई कर देना है इसको। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि 10θ को क्या लिख सकते हैं sin θ + cos θ, sec को क्या लिख सकते हैं 1+cos θ और cot को क्या लिख सकते हैं cos/sin θ। तो इन सारे फॉर्मूला का यूज़ यहाँ पे कर लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आने वाला है। ये आप खुद से भी कर सकते हो, एक बार ट्राई ज़रूर करना। 10 को क्या लिख सकते हैं sin θ/cos θ, sec को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 1+cos θ। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि LCM दोनों का cos θ मिल जाएगा और यहाँ हमारे पास cos cot को क्या लिख सकते हैं cos θ/sin θ - cos θ को क्या लिख सकते हैं 1+sin θ। यहाँ भी हमारे पास LCM दोनों का सेम मिल गया, अब आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। इसका अगर LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों cos θ का मल्टीप्लीकेशन 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा cos θ + sin θ + 1। ओके ये आपका एक हो गया और सेकेंड में क्या मिल जाएगा sin θ कॉमन आ जाएगा तो ऊपर sin θ + cos θ - 1/sin θ। अब चीज़ इस क्वेश्चन में एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे दोस्तों कि यहाँ भी sin θ + cos θ, यहाँ भी sin θ + cos θ और इसके साथ प्लस में है 1 और इसके साथ माइनस में है 1।
यानी कि इसको अगर हम साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा को ए मान लें और इस एक वन को बी मान लें, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा को ए मान लें और वन को बी मान लें, तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पर तोड़ सकते हैं। तो हमारे पास ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे तो एक आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बड़े आसानी से अभी तक सॉल्व हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, देखने में थोड़ा लेंदी लग रहा होगा लेकिन बहुत लेंदी है नहीं। अब देखिए दोस्तों, ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी प्लस टू ए बी, यानी कि टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू वन होता है, ठीक है, और यहाँ वन और ये प्लस में, यहाँ प्लस में वन यहाँ माइनस में वन, ये दोनों कैंसिल, यानी कि इतने के जगह पर हम लोग माइनस वन लिख सकते हैं। ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, हमारे पास आंसर आ जाएगा टू। इस तरह से ऑप्शन की अगर बात करें तो ए में जीरो है, हो नहीं सकता, बी में वन है, सी में हमारे पास टू है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा सी। तो देखा दोस्तों किस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 के सारे क्वेश्चन को डील कर लिया है, और इसमें दो क्वेश्चन बच गए हैं, वो बहुत ही ईजी है, जितना मैंने समझाया अभी, जितना कॉन्सेप्ट बताया है, बस इसी को अप्लाई करके आप लोग बनाने की कोशिश करना। और अगर आपसे नहीं बने कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं अगले सेशन में इसको डील करा दूँगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, प्रूफ डेट करने वाले, यानी कि वो प्रूफ डेट करने वाले जो क्वेश्चन है, यानी कि सिद्ध करने वाले, सत्यापन करने वाले क्वेश्चन, तो उसका एक मैं अलग से सेशन बना दूंगा, जितने भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन बन गया तो ठीक, नहीं तो उसी में मैं इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो आज का सेशन दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, जो मैंने बताया कि एक जनरल स्टडी के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो जो भी दोस्त उसमें इंटरेस्टेड होंगे, हमारे कॉम्पिटिटिव वाले, वो वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हंसते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।